अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद यहाया एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 क्लास 6। सो स्टूडेंट्स, वी हैड डिस्कस्ड इन आर अर्लियर लेक्चर्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, दैट हाउ कंप्यूटर केम टू द शेप दैट वी सी इट टुडे। सो एंड नाउ वी विल डिस्कस फर्दर टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज टुडे, that how many types and types of computer we see today in our daily life and we experience them. So let's get started inshallah. Okay, so we have two types of computing devices. One is analog devices and another is digital devices. First we will learn that what is analog and what is digital, then we will inshallah understand what are these devices. So there are two types of data, one is analog data and other is digital data. Analog data is the one jisme jo quantity hoti hai wo continuous hoti hai. For example, जब हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे होते हैं तो वो पेट्रोल कंटिन्यूस आ रहा होता है और उसकी जो काउंटिंग होती है वो 0.1, 2, 3, 4, फिर 1.1, इस तरह करते करते वो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर जितने भी डलवाते हैं वो अपना जो वो जो उसकी क्वांटिटी है वो फिर उस तरह पूरी होती है, यानी कंटिन्यूस होती है, बीच में कोई गैप नहीं होता, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। जबकि जो डिजिटल डेटा होता है उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी वो एक डिस्क्रीट डाटा होता है। इसकी मिसाल हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे शेयर्स होती हैं, अगर लेट्स से कि जो हमारे स्कूल में लैब जाने के लिए जो शेयर्स हैं उसमें लेट्स से कि 10 शेयर्स हैं, या तो कोई भी शख्स पहली शेयर पर होगा या दूसरी पर या तीसरी पर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1.5 शेयर पर होगा या 2.5 शेयर पर होगा। उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, या तो 1 होगी, 2, 3 फिक्स होगी, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 1.2, 1.4, 1.8 इस तरह की कोई उसमें वैल्यू होगी। तो यानी इसमें कंटिन्यू होती है और जो एनालॉग होता है वो बिल्कुल कंटिन्यूस होता है। तो ये फ़र्क है एनालॉग और डिजिटल का। एनालॉग डिवाइसेस वो होती हैं जो ऐसे डेटा को प्रोसेस करती हैं जो बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, और डिजिटल डिवाइसेस वो होती हैं जो ऐसे डेटा को प्रोसेस करती हैं जो कंटिन्यूस नहीं होता। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर के जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनकी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अभी जो हमने बात की वो थी अकॉर्डिंग टू व्हाट डाटा दे प्रोसेस, और अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सो हमारे पास जो इसमें एक टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स बहुत लार्ज होते हैं साइज में, और इनका जो यूजेज होता है वहाँ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्यूरेट प्रोसेसिंग चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि नासा है या स्पेस टेक है, स्पेस एक्स है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो स्पेस ट्रैवल करती हैं या जो जो कार्स मैन्युफैक्चर करती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, तो वहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी टाइप है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, और जो इनका जो यूजेज है वो होता है डेटाबेस सिस्टम्स में। ऐसे सिस्टम्स जो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं वहाँ मेन फ्रेम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं गूगल, फेसबुक, ऐसी कंपनीज जिनको बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करती हैं। साइज़ में दोनों सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दोनों लार्ज होते हैं, दोनों की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि इनका जो यूजेज है वो कहाँ है। मेन फ्रेम कंप्यूटर डेटाबेस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन होती हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी टाइप है वो है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स ये वो कंप्यूटर्स हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे ऑफिसेस जो जैसे बैंक समझ लें वो जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। उनका साइज़ छोटा होता है, वो चीप होते हैं काफ़ी, और उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है, लेकिन अपने साइज़ के हिसाब से वो भी एक बिल्कुल
इसको हम एक आइडियल सिचुएशन समझेंगे कि बहुत अपने साइज के हिसाब से इन प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। मिनी कंप्यूटर्स के अलावा आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स को हमारे लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स और मोबाइल्स, इस तरह के जो डिवाइसेज हैं ये माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। छोटे जो इनका यूजेज होता है या होम पर्पसेस के लिए या छोटे बिजनेसेस के लिए, जैसे कोई छोटी सी फर्म है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप्स असाइन किए हुए हैं, तो वहाँ यूज़ हो सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। इसके अलावा जो एक और टाइप है कंप्यूटर्स की, वो है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये एक डिवाइस होती है और ये चिप टाइप की डिवाइस होती है छोटी सी, और ये अटैच होती है मुख्तलिफ अप्लायंसेस में, जैसे फ्रिज, स्मार्ट फ्रिज टेम्परेचर को चेक करके ऑन ऑफ हो जाए, या एसी होता है, एसी को जैसे हम टेम्परेचर बता देते हैं, एक टेम्परेचर फिक्स होता है, उसके बाद एसी खुद बंद हो जाता है, और फिर जब टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लगता है तो एसी दोबारा ऑन हो जाता है। तो इस तरह के जो स्मार्ट प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं उनमें ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। लास्ट लेक्चर में आपसे कहा गया था कि जो ट्रू फॉल्स हैं आपने वो सॉल्व करने हैं, और जो ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज ब्लैंक्स आपने सॉल्व करनी है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी उसके साथ दिया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो बुक में दिया गया है उसको कट करके अपनी तरफ से एक दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, आपने वो पढ़ना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर पेज नंबर 5 to 7 पर है। आप जनरेशन टेबल जो बना हुआ है उसकी मदद से आप ये ब्रीफ नोट्स लिख सकते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर पेज नंबर 10 पर है। अच्छा, जो क्वेश्चन 5 है, इसमें मैंने पहली एग्जाम्पल ऐड करके आपको बता दिया है कि किस तरह करना है। जैसे पेट्रोल फिलिंग मशीन है, ये जो डाटा होता है कौन सा प्रोसेस कर रहा होता है, एनालॉग डाटा, तो ये इसका टाइप ऑफ डिवाइस क्या होगी, एनालॉग। इसी तरह जो बाकी 3 आपको कॉलम्स रॉज दिए गए हैं, आपने वो खुद से फिल करने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन 4 to 5 लाइंस के छोटे छोटे से नोट्स लिखने हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे इंशाल्लाह। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।